Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine. I am also fine. Here is Miss Amra, teacher of English. Today I am teaching Oxford English class 4, unit number 1, page number 1, topic is the sea. बेटा जब आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 1 ओपन करेंगे तो वहां पर टॉपिक होगा द सी. आज मैं आप लोगों को द सी पढ़ाऊंगी. द सी में एक डायलॉग है हैरी और डैन के दरमियान में. सबसे पहले मैं आप लोगों को डायलॉग के बारे में बता दूं. डायलॉग क्या होता है? डायलॉग का मतलब है आपस में बातचीत करना. जब दो इंसान आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपने ख्याल का इजहार करते हैं, ठीक है, डिस्कशन होती है, उसे हम डायलॉग कहते हैं, दो इंसानों के दरमियान में, ठीक है. यहाँ पे जो आपकी बुक पे डायलॉग है पेज नंबर 1 पे, वो डैन और हैरी के दरमियान में है, ठीक है. जो हमारा डायलॉग है उसमें जो जो टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं. सबसे पहले फैमिली को डिस्कस किया गया है, उसके बाद स्कूल, स्पोर्ट्स, एज और होम को. ये आपके वो टॉपिक्स हैं जो आपस में वो बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने इन इन चीज़ों को डिस्कस किया है, फैमिली को, स्कूल को, स्पोर्ट्स को, एज को और होम को, ठीक है. अब जो डायलॉग है उसमें मैं आप लोगों को डैन के बारे में बताऊंगी और हैरी के बारे में बताऊंगी. पहले डैन के बारे में, डैन का इंट्रोडक्शन हो जाए. डैन की रेजिडेंस कहाँ है? लिव इन ऑस्टन, वो ऑस्टन में रहता है, ओके. स्कूल कौन सा है? जॉन बॉक्स स्कूल. वो कौन सा स्कूल में स्टडी कर रहा है? जॉन बॉक्स स्कूल में. उसकी एज कितनी है? 11 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 11 साल का है, ठीक है. स्पोर्ट्स उसको कौन कौन से पसंद है? वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और फुटबॉल. ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास तब आई जब हैरी और डैन के दरमियान में बातचीत हुई. हैरी ने डैन से पूछा कि तुम कहाँ पर रहते हो, तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो, तुम्हारी एज कितनी है, तुम्हें कौन से खेल पसंद है, ठीक है. ये उनके आंसर्स हैं. फिर डैन ने शेयर किया कि वो हॉस्टल में रहता है, जॉन बॉक्स स्कूल में पढ़ता है, उसकी उम्र जो है वो 11 साल है और उसको वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और फुटबॉल पसंद है, ठीक है. अब हम हैरी के बारे में. ये तो हो गया डैन का इंट्रोडक्शन, जो हैरी के सवालात थे उनके जवाब जो डैन ने दिए. अब हम हैरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. जब डैन हैरी से पूछता है कि तुम्हारी उम्र कितनी है, बताता है कि मैं 12 ईयर्स ओल्ड का हूँ, यानी कि 12 साल का हूँ. और स्कूल कौन सा है? सेकेंडरी स्कूल है मेरा. और सिबलिंग में क्या है? वो कहता है कि मेरा एक भाई है, यानी कि उसका सिर्फ एक भाई है. लास्ट में क्या होता है कि हैरी कहता है कि मैं मजीद अपने बारे में पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे सकता, क्योंकि डैन जो है वो किसी और की इंफॉर्मेशन उसके साथ मिक्स कर रहा होता है. लास्ट में क्या होता है कि हैरी कहता है कि मैं इन सवालात के अलावा तुम्हें कोई भी जवाब नहीं दूंगा. वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को डिस्कस करने से इनकार कर देता है, ठीक है. तो बेटा आज जो हमने पढ़ा वो हैरी एंड डैन के बारे में डायलॉग पढ़ा, जिसमें आप लोगों को पता चल गया कि हैरी ने क्या क्या सवाल किए थे और डैन ने क्या क्या किए थे, ठीक है. जो आप लोगों का होम टास्क है वो क्या है? आपने डायग्राम बनानी है अपनी नीट नोटबुक पर, सी यानी कि समुंदर की, द सी की आपने अपनी नीट नोटबुक पर डायग्राम बनानी है. यूनिट नंबर 1 लिखेंगे, टॉपिक द सी लिखेंगे, स्टेटमेंट में आप लोग डायग्राम लिखेंगे. ये आप लोगों का होम टास्क है, आपने अपनी नीट नोटबुक्स पे लिखना है और आपने इस डायलॉग को अच्छे तरीके से रीड आउट करना है. उम्मीद है कि आप लोगों को ये डायलॉग के बारे में समझ आ गया होगा. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड.